गौ संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंडलायुक्त ने नई पहल करते हुए मंडल के सभी जनपदों में गोवर्धन पूजा पर्व के दिन गौ संरक्षण केंद्र पर भी निराश्रित गायों की पूजा करके समाज को नया संदेश देने का प्रयास किया है, जिसके तहत सोमवार को मंडलायुक्त जयंत नालिकर, महापौर सीताराम जायसवाल, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एसएसपी डॉ सुनील गुप्ता, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और पार्षद सहित उपस्थित लोगों ने गाय माता की पूजा की और उन्हें गुड़ चना खिलाया। गौरतलब है कि पौराणिक काल से गोवर्धन पूजा के दिन गाय और उसके गोबर से निर्मित गोवर्धन पर्वत की सांकेतिक रूप से पूजा अर्चना भी की जाती है, जिसके तहत गोवर्धन पूजा के दिन मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, महापौर, नगर आयुक्त सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि महवा स्थित कान्हा उपवन पर पहुंचे, जहां निराश्रित गायों को टीका लगाकर माल्यार्पण किया तथा उन्हें गुड़ चना का आहार खिलाया। इस अवसर पर गोरखपुन्नी से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कहा कि शासन भी गौ संरक्षण के लिए प्रयत्नशील है और गौवंश के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना संचालित है। ऐसे स्थिति में गोवर्धन पूजा के अवसर पर गौवंशीय पशुओं के संरक्षण के लिए एक संदेश जन जन तक पहुँचाने की जरूरत है। इस मौके पर गोरखपुन्नी से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कहा, आइए आइए अंदर चलो। ये तालाब के रूप से यूज करेंगे तुम जाओ यार मिलाते चलो जाओ का खंड क्या हाल चाल है? आप मेयर हैं इस शहर के सबसे फर्स्ट सिटीजन करते हो ना सिविक्स में मिली थी ना ये कितनी पशु पत्र जो है सर हमने कृषि को भेज दिया तो प्रमोशन गाली दे रहे होंगे वाले दिन जो है परेशान कर बाकी तीनों दिनों में भी हो रहा है सर ऑल ओवर यूपी हो रहा था नहीं वो आई है फोटो सफा बनने के लिए कितने लोग हैं आपके पास सारे मिट्टी हम लोग अन्यूज पड़ा है सारे उठा के लिए ये सब शहर के अंदर मिट्टी बरसात में आपको दिक्कत अग्नि बरसात को दिक्कत मिट्टी भी ठीक ठाक मिट्टी है जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी नहीं मतलब यहाँ तो आप मिट्टी डलवाई सर यहाँ तो बरसी मिट्टी इसको तो लेवल बरसी मतलब चारा कर दीजिए कि गाय जो है देखते हैं कैसा वो अच्छा रहेगा तो सब लाभ कर दिया हमने काम दो साल से बिल्कुल ही नहीं ओम हरि ओम मैं स्वस्ति ने इंद्रो विदिशला है स्वस्ति ने पोका विश्ववेदा है आप भी आए भैया है स्त्री रंग माता पिता पुत्र पृथ्वी शांति राम
शांतिर विश्वे देवा शांतिर ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेरि यतो यतः समीयसे ततो नमो अभयं कुरु सन्नय कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशु चले बहुत ज्यादा लग रहा है इधर आ हाथ में कैसे खिलाएं प्रजापे परिपालयन्तं न्यायेन मार्गेण महिमै सागो ब्राह्मणे को इसका मेन सर इधर आ जाइए। ओम स्वस्ति प्रजापे परिपालयन्तं न्यायेन मार्गेण महिमै सागो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं ब्रह्मरासमस्तु नित्यम् बाल्यादीन सुगंधीन मालत्यादीन वैभ्रूम्यायता पुष्पा पूजा प्रतिगृहता उस वाले को खिला रहे सबके नाम में पड़ेगा बोला मोटर चला दो वहां से बनाओ बनाओ जल्दी सो बेसिकली एक प्रयास हम लोगों ने इन चारों जिलों में गोरखपुर मंडल के किया है कि गोवर्धन पूजा की जो पर्व है उसको मनाते हुए हम जो गोवंश संरक्षण की बात है उनके जो जो भी चिंता एक शासन की तरफ से की जा रही है और जो शासन के आदेश आए हैं और उसमें हम आगे बढ़कर जन सहभागिता की अब बात कर रहे हैं और यही एक प्रयास है जिसमें कि हमने आज सारे अधिकारी जिलाधिकारी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और जितने विभागाध्यक्ष हैं हमारे चारों मंडलों के 100 से अधिक जो आश्रय स्थल हैं उनमें आज वो गए हैं सबको एक एक स्थल कम से कम विज़िट करने के लिए निर्देशित किया गया था और उन्होंने विज़िट करके एक तो सांकेतिक रूप से पूजा की है और जो एक हमारे भारतीय संस्कृति की एक परंपरा रही है कि गोवंश का सम्मान किया जाना उसकी एक बात हुई है और ये संदेश देने का प्रयास किया है गोरखपुर मंडल ने प्रदेश को कि हम गाय का सम्मान करेंगे गोवंश का संरक्षण करेंगे और इसमें जो भी जिसका सहयोग बन पड़ेगा वो करेंगे और मुझे बड़ा हर्ष के साथ आपको बताने में खुशी हो रही है कि हमने एक आह्वान जनाया था पिछली मीटिंग में कि ऐच्छिक रूप से जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो जो गोवंश का एक हमने किटी बनाई है
जो एक फ़ंड क्रिएट किया है जिलाधिकारी के नेतृत्व में चारों ज़िलों में, उसमें लोग बहुत आगे बढ़ के आए हैं और हम सभी ने ये अपनी प्रतिबद्धता दी है कि हम जो है कम से कम अपना एक दिन का जो वेतन का अनुमान जितना हमारा वेतन है वो हम जो है गोवंश संरक्षण के लिए देंगे। और इसमें कई अधिकारियों ने, सभी जिलाधिकारियों ने, ADG साहब ने, सब ने अपना ये कमिटमेंट दिया है, जो कि एक बहुत ही खुशी की बात है। और आपके माध्यम से हम जितने हमारी व्यापार मंडल हैं, जितनी कम्युनिटी हैं और संस्थाएं हैं, NGO हैं, उन सबको भी आह्वान जनाएंगे और जनमानस को आह्वान जनाएंगे कि वो इसमें आगे बढ़ के आएँ और जन सहभागिता के थ्रू ये हमारे गो संरक्षण में सहायता प्रदान करें। देखिए क्या है, यहाँ पर दो शेड हैं आपके, बरसात बहुत हुई थी लास्ट में सितंबर में, जैसा आपको विगत है, देखिए उधर भी पानी भरा हुआ है। सो पशुओं की जितनी संख्या हम सोच रहे थे कि 1000 हम रख सकेंगे, उतना हम नहीं रख सकते हैं। अभी 750 से 775 के बीच में पशु हैं यहाँ पर, डिफरेंट कैटेगरी के। और गोला में जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि वहाँ पर रेडी हो गया है, तो वहाँ पर हम इस नेक्स्ट 2-3 दिन में कुछ गोवंश यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल खाली है। और वहाँ के जो लोकल गोवंश हैं उनको भी रखा जाएगा, प्राथमिकता पहले लोकल गोवंश की होगी क्योंकि वहाँ उस क्षेत्र के लिए वो गोवंश आश्रय स्थल बना हुआ है। लेकिन यदि यहाँ से हम 50 पशु शिफ्ट करके, जो भी पशु पालन विभाग कहेगा, यदि शिफ्ट करके यहाँ का वातावरण और अच्छा हो सके तो इसमें कोई खराबी नहीं है। हमारा सहजनवा में भी बन चुका है और खजनी में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, शायद वो भी कार्य प्रारंभ हो गया। तो जो गोला और सहजनवा में हमारा गोआश्रय स्थल रेडी है, उसमें यदि हम यहाँ से कुछ पशु शिफ्ट करके उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन पहले हम लोकल पशुओं को रखना चाहेंगे क्योंकि वो लोकल पशुओं के लिए बना है। लेकिन उसके बावजूद यदि कुछ जगह बसती है तो हम यहाँ से भी पशुओं को शिफ्ट करेंगे। मदौलिया में भी देखिए, मदौलिया में 500 एकड़ ज़मीन है, बहुत बड़ा गोसदन है, और उसमें हम 5 नए शेड बना रहे हैं, वो 1 से 1.5 महीने में 5 रेडी हो जाएंगे। तो वो मंडलीय स्तर का गोसदन हम विकसित करना चाहते हैं और उसमें यदि ज़रूरत पड़ेगी तो हम विभिन्न ज़िलों से यदि निराश्रित गोवंश को शिफ्ट करना पड़ेगा तो हम करेंगे। बट ये पशुपालन विभाग की और विशेषज्ञों की राय के बाद ही किया जा सकता है। हाँ जी, उसमें बेसिकली देखिए, जैसे मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश जन सहभागिता योजना की बात जो की गई है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि हम जो है 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है और निराश्रित गोवंश को सहारा देना चाहता है, एक तो ये बहुत ही पुण्य का काम है, उसके ऊपर उसका जो 30 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन का खर्चा है ये भी हम देंगे। और ये एक योजना है जिसका बहुत ही प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और आज के इस पर्व का आयोजन का एक ये भी कर्तव्य है कि हम इसको, जितने अधिकारीगण हैं वो इस योजना के बारे में जनमानस को ज़्यादा से ज़्यादा के बारे में बताएं।